Those of you who don't know me, I'm Basila Javed from Sopor. St. Joseph से पढ़ाई हुई मेरी, उसके बाद मैंने Sopor College join किया, but my dad was transferred, so I had to go to Chandigarh. That's when I decided कि मैं civil services के लिए prepare करूँगी. So when I first actually, you know, attended first, जैसे आप सब बैठे हो, मैं भी एक ऐसे ही seminar में बैठी थी. You know that strike, एक moment होता है कि नहीं, मैं बहुत curious हूँ इस चीज़ के बारे में. तो जब मुझे एग्जाम का पैटर्न पता चला, मैंने कहा ये तो दिस इज लाइक आई फील एट होम, दिस इज सो कंफर्टेबल फॉर मी, एंड यस आई वाज वेरी श्योर दैट आई कुड डू इट. बट देन व्हेन आई यू नो स्टार्टेड माय जर्नी, देन आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम जो भी हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत डिफरेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन जो होती है. तो आई हैड टू कम्प्लीटली शिफ्ट माई पर्सपेक्टिव्स एवरीथिंग, बिकॉज जो हम पढ़ते हैं ना कॉलेज में, स्कूल में, वो ऐसा है कि आपने नोट याद कर लिया, यूजुअली जो होता है, मैं नहीं करती, बट यूजुअली जो होता है, नोट याद करो, एग्ज़ाम में वो छाप के आ जाओ, वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे. आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई नहीं बोलेगा कि आंसर कैसे लिखना है. हैज़ एनीवन हैड सच क्लास की मैम बोलेगी नहीं ये इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन नोबडी हैज़ टॉट यू हाउ टू राइट आंसर. हैज़ एनीवन टॉट यू एवर? सो वो एक चीज़ जो है ना, वो क्यों जो होता है कि मेरे मार्क्स कटे, क्यों टीचर्स डोंट हैव आंसर्स. मैंने सेकेंड ईयर में इंग्लिश पेपर दिया तो मेरे 50 में से 35 दिए. मैंने कहा मैम क्यों? उसने बोला इतने ही मिलते हैं, ये मैक्सिमम इतने. मैं कहा क्यों इतने ही मिलते हैं? सो दैट जो फ्रेम ऑफ माइंड से हटके क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी थी. जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आए कि स्टैटिक को डायनामिक्स से कैसे रिलेट करें. तो जब आप पूरा गो थ्रू करते हो ना, सिलेबस ही इतना ज़्यादा है कि आप फेमिलियराइज नहीं हो सकते इतनी आसानी, जल्दी बहुत टाइम लगता है. जैसे कि जब तक आप पूरा